इसमें हम बात करेंगे एलसीएम एंड एसएफ के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सारे एग्ज़ाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। और शायद आपने एलसीएम एसएफ तो पढ़ा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो को आप पॉज करिए। ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, लेकिन 10 मिनट देने के बाद अगर आपको लगे कि वाकई में मेरा ये टाइम बेकार हुआ, तो आज के बाद इस चैनल पे विजिट मत करना। और बच्चों, अगर आपको चीज़ें लगती हैं वाकई में यार चीज़ों में दम है, तो आप इस चैनल से जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। बच्चों, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बताने चल रहा हूँ। बस आपको इतना सा है कि अगर आपका इस चैप्टर का वेस्ट नहीं क्लियर है, तो आज के बाद आपको इस चैप्टर में दिक्कत आने वाली नहीं है। पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। इनफैक्ट आप क्वेश्चंस को बना पाओगे, लेकिन ज़रूरत है तो एक बार इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने की, ठीक। तो चलो, पता है आज की क्लास में हम बात करने चल रहे हैं एलसीएम एंड एसएफ की। बच्चों, अगर हम बात करें इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सारी चीज़ों की बातें करेंगे, जितनी छोटी से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं वो सारी बातें हम आज की क्लास में यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। एससीएफ की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसे हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके पहले आपको इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, एलसीएम और एसएफ को समझने के लिए, दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो इसमें आपको मल्टीपल दिख रहा है और दूसरा जो इसमें आपको फैक्टर दिख रहा है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें सबसे पहले समझना होगा कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है और किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्यारे बच्चों, अगर हम मल्टीपल की बात करें, जैसे हमने 5 लिखा, हमने कहा 5 का मल्टीपल क्या होगा, तो 5 का मल्टीपल 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ठीक है। ऐसे हम आगे लिखते जाएंगे, 25 होगा, 30 होगा, ठीक बच्चों। ऑल आउट ऑफ नंबर्स 5 के मल्टीपल में आते रहेंगे, मतलब कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे और इनके मल्टीपल हमें मिलते जाएंगे, मतलब कि 5 का जो भी टेबल होगा ए इनफाइनाइट होता है बच्चों, कभी भी ख़त्म ना होने वाला। इसे हम लोग मल्टीपल कहते हैं। अगर हम 6 के मल्टीपल की बात करें, यानी आप 6 का टेबल पढ़ लो, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, और आगे भी ऐसा आता रहेगा। ये हमारे 6 के मल्टीपल हो गए, मतलब ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा ऐसे जाते रहेंगे इनफाइनाइट। इन्हें हम लोग बच्चों मल्टीपल कहते हैं। एक नंबर और देखते हैं, कोई भी नंबर हो, जैसे हमारे पास 10 है बच्चों, 10 का टेबल पढ़ेंगे, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40, यानी 10 का टेबल इनफाइनाइट, इन द सेंस कि हमारे जो किसी भी नंबर के मल्टीपल होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो इनफाइनाइट तक होते हैं, वो चलते जाएंगे, कभी नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन बच्चों, अगर हम फैक्टर की बात करेंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने कहा 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे और कितने फैक्टर होंगे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है। तो बच्चों, अगर हम 12 के फैक्टर की बात करें, इसका फैक्टर 2 होगा, ठीक है, इसके फैक्टर में 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, और बच्चों 12 आएगा, 12 2 3 4 6 एंड 12, ये सारे बच्चों 12 के फैक्टर है, ये इनके गुणनखंड हैं, इनके इतने ही फैक्टर होंगे, ये सारे फैक्टर हमारे 12 के होंगे। ये इनफाइनाइट होता है, डिफिनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है और बच्चों डिफिनाइट होता है, मतलब कि ये अपना निश्चित होता है, डिफिनिट होता है और इनफाइनाइट होता है। तो इसमें तो आप इनकी संख्या हमेशा बता लोगे, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इनकी संख्या जो है फाइनाइट है, वो इतना ही रहेगा, ठीक है, फाइनाइट रहेगा। अब बच्चों, अगर हम जैसे और भी नंबर्स ले लें, अगर हम आपसे बोलें चलो बताओ 24 के फैक्टर क्या होंगे, तो प्यारे बच्चों 24 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा, और बच्चों फिर 12 होगा, फिर 24 होगा, ये सारे नंबर्स होंगे हमारे 24 के फैक्टर होंगे। तो मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, फैक्टर को हम लोग हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में गुणनखंड कहते हैं और इसे हिंदी में हम लोग गुणक कहते हैं। तो ये दो बातें तो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। अब दूसरी बात देखिएगा, दोनों में आपको एक वर्ड मिल रहा है देखने को, कॉमन, यहाँ भी कॉमन है
और यहाँ भी कॉमन है। यानी प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी बात करें, ऐसे नंबर्स जो सब में कॉमन है, अगर हम आपसे कहें कि चलो बताओ 5, 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनमें सबसे पहले तो हमें देखना है मल्टीपल, और कैसा मल्टीपल, जो सब में कॉमन हो, मल्टीपल जो सब में कॉमन हो। तो बच्चों अगर ध्यान देंगे आप, तो इन नंबरों में कोई नंबर जो ऐसा है जो तीनों में है, देखो 30 है, 30 है, 30 है, क्या इस 30, आगे भी बहुत सारे नंबर्स हमें कॉमन मिलेंगे, आगे हम लिखते जाएंगे अलॉट ऑफ नंबर्स हमें कॉमन मिलते रहेंगे, लेकिन इसके पहले क्या कोई नंबर बच्चों यहाँ पर कॉमन था, इसमें और इसमें कॉमन था, लेकिन इसमें नहीं था, तीनों में कॉमन होना चाहिए। प्यारे बच्चों हमने देखा 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, शायद हम आगे और लिखते हैं तो 60 इसके भी टेबल में आता, 60 इसके भी टेबल में आता, 60 इसके भी टेबल में आता, सब में कॉमन होता। ठीक है, आगे की बातें आगे की हैं, क्योंकि इनफाइनाइट है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसकी बात करें बच्चों, तो ये अपना निश्चित है, इसके इतने ही होंगे। अब यहाँ अगर कॉमन की बात करें, तो देखो यहाँ बहुत सारे नंबर्स कॉमन है, यहाँ तो बच्चों 2 भी अपना कॉमन है दोनों में, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ 12 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक बच्चों, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, कॉमन है। अभी हमने एचसीएफ नहीं निकाला, ना हमने एलसीएम निकाला, अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं, फैक्टर और मल्टीपल उसे समझा, फिर हमने ये समझा कि दोनों में कॉमन क्या है, हमने उनको निकाला। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, यानी ऐसा मल्टीपल हो जो कॉमन हो और छोटा सा छोटा हो। तो प्यारे बच्चों अपने को तो पता है 30 ही पहला मल्टीपल है जो तीनों में कॉमन है, इसके बाद जो भी हमें मल्टीपल्स मिलेंगे कॉमन वो बड़े नंबर्स होंगे। अपने को ऐसा मल्टीपल चाहिए जो सब में कॉमन हो और छोटा सा छोटा हो, वही बच्चों इन नंबरों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, इन द सेंस कि 30 ही इन नंबरों का एलसीएम है, 30 ही इन संख्याओं का क्या है, एलसीएम है। ठीक है, यहाँ की बात करेंगे बच्चों, यहाँ अपने को ऐसा फैक्टर चाहिए जो कॉमन हो लेकिन कैसा हो, हाईएस्ट हो। अपने को यहाँ लिस्ट चाहिए था जो कॉमन हो, लेकिन ऐसा फैक्टर चाहिए बच्चों जो हाईएस्ट हो। तो अगर हम हाईएस्ट की बात करेंगे, तो ए भी अपना कॉमन, ए भी दोनों में अपना क्या था, देखो इसमें था, इसमें था, अगर ए 24 तो कॉमन था नहीं बच्चों, सॉरी हाँ मैंने तो ऐसे लिखा है, या ये कॉमन हमारे यहाँ 2, 3, 4 एंड 6 एंड 12, ये सारे नंबर्स हमारे क्या है, कॉमन है। लेकिन अपने को ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए बच्चों जो हाईएस्ट है, तो इनमें हाईएस्ट क्या है, 12 है। तो प्यारे बच्चों इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। प्यारे बच्चों एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा छोटा सा छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबरों के शब के मल्टीपल में कॉमन होता है, मल्टीपल में कॉमन होता है, वो छोटा सा छोटा नंबर उन दिए गए नंबरों का एलसीएम होता है। जबकि अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो दिए गए नंबर्स होंगे उनके जो फैक्टर होंगे, उन फैक्टरों में जो कॉमन फैक्टर होंगे, वो जो सबसे बड़ा सा बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, वह उन दिए गए नंबरों का एचसीएफ होगा। दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, उसे हम लोग लाशा कहते हैं, लघुत्तम क्षमापवर्त कहते हैं, यानी एलसीएम कहते हैं। और वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को पूर्णतया विभाजित कर दे, बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, यानी महत्तम क्षमापवर्त कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब आप समझिएगा, इसको निकालने का जो मेथड था बचपन में हम लोगों ने, गुणनखंड मेथड, यानी इस तरीके से हम लोगों ने सीखा था बच्चों, है ना, निकालते थे। जैसे कि हम इसे 2 से कट करते थे, 5 नहीं कटा, 6 कट गया, 8 कट गया, तो हम इसे 15 टाइम ले गए। फिर अब 2 से नहीं कट रहा, तो 3 से काटते थे बच्चों, ये नहीं कटेगा, 8 कटेगा, ये 5 टाइम जाएगा, और फिर 5 से कट करते थे जब तक 1 ना आ जाए। तो 2, 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, इस तरीके से हमारा ये एलसीएम निकलता था। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों, अभी एचसीएफ निकालने की कुछ और चीज़ों को जानते हैं कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो इतना मैं इरेज कर देता हूँ और फिर मैं इनके आगे की बातें करता हूँ। आई होप कि अभी आप तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। बस ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि चैप्टर को एक बार ध्यान से समझ लोगे तो फिर कहीं कोई समस्या इस चैप्टर में आपको नहीं आएगी, ये शत प्रतिशत है। बस ये है कि एक बार आपको बाकायदा समझना पड़ेगा, बिना पढ़े कल्याण नहीं होने वाला है कि नहीं।
अब आप समझिएगा आगे की बातें करते हैं थोड़ी सी हट के। हम लोग बात करेंगे अभी एशियाफ की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एशियाफ की बात करेंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या हमारे पास 18 है और एक संख्या हमारे पास 82 है। अगर हमें कहा गया कि इन दो संख्याओं का एशियाफ क्या होगा, तो हम इनका एशियाफ कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको निकालने का तो तरीका बहुत होता है, लेकिन हम लोग अभी जो समझने चल रहे हैं ये है हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। कैसा मेथड है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर मेथड भी होगा, जो कि अभी हम लोगों ने कर लिया था कि इन नंबरों का हम फैक्टर करेंगे, जो कॉमन होगा और हाईएस्ट कॉमन जो होगा वही अपना एशियाफ होगा। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है बच्चों लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये क्या होता है और इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड को समझना इतना इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि इनके ऊपर जो हमारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन वो कब, जब आप अभी समझेंगे ध्यान से, तब ऐसा हो पाएगा, है ना। अब बच्चों, अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है कि जो बड़ी संख्या है उसमें हम छोटी संख्या से भाग करते हैं, यानी 18 से हम डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम्स आएगा, ठीक है, सॉरी 4 टाइम्स आएगा बच्चों, 18 चौका 72 हो गया, यहाँ पर अपना 10 बचेगा और ए अब हमारा बन जाएगा भाजक यानी डिवाइज़र, और ए बच्चों हमारा बन जाएगा डिविडेंट, ठीक है, और ये जाएगा 1 टाइम, यहाँ 10 आएगा, रेस्ट में अपना 8 बचेगा, 8 से 10 में डिवाइड करेंगे बच्चों, ए 1 टाइम जाएगा और फिर अपना बचेगा 8, क्लियर है। यहाँ पर क्या था, 4 टाइम गया था। अब बच्चों यहाँ 2 बचेगा और इस 2 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा, 8 हमारा डिविडेंट हो जाएगा, इसमें हम भाग करेंगे, ए जाएगा 4 बार और 2 चौका 8, और बच्चों ए इस तरीके से हमारा कट गया, जो हमारा अंतिम भाजक होगा। प्यारे बच्चों, जो हमारा अंतिम भाजक होगा, इस बात को ध्यान देना, जो हमारा अंतिम भाजक होगा वही हमारा माशा होता है, वही हमारा क्या होता है, माशा होता है, यानी इन संख्याओं का माशा क्या होगा, 2 होगा। ए हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड को अभी बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आप देखेंगे अभी इस मेथड के ऊपर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड पे अभी कैसे कर दें। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जो अपना अंतिम भाजक होता है बच्चों वही अपना क्या होता है, अपना एशियाफ होता है। अब देखो, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको यही चीज़ समझाने चल रहे हैं बहुत बाकायदा तरीके से। ये अपना एक तरीका होता है एशियाफ को निकालने का, ठीक है। अब बच्चों एक सवाल देखिए बोर्ड पे, जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा, आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं अपनी किताब से पढ़ ले रहा हूँ सवाल को, कि दो संख्याओं का माशापा निकालने पर अंतिम भाजक 41 है। अंतिम भाजक का मतलब माशा 41 है, और प्रथम से लेकर अंतिम तक भागफल क्रमशः 2, 4 और 2 हैं। संख्याएँ क्या हैं, ध्यान देना, प्रथम से लेकर अंतिम तक का भागफल जो है बच्चों 2, 4 और 2 है भागफल, यानी कोशंट की बात कर रहा है, तो संख्याएं क्या हैं। अब ये सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा बच्चों, कहने का मतलब ये है कि एक संख्या में भाग दिया गया होगा, इस संख्या से जो भी भाग दिया गया मुझे नहीं पता, लेकिन भागफल जो भी निकल गया 2 निकल गया, फिर यहाँ पर ऐसे भाग दिया गया हो, यहाँ पर जो अपना भागफल निकल के आया वो प्यारे बच्चों अपना निकल के आया 4, क्लियर है, और फिर से भाग दिया गया, जो अंतिम भागफल आया वो 2 आया, और ये संख्या अपनी 41 रही। संख्या क्या थी, 41 थी, यानी ए 41 है, तो ए अपना क्या है, माशा है, ए अपना माशा है। पहले इसका मेथड देख लो, फिर अभी इसी सवाल का एग्ज़ाम का अप्रोच क्या होता है, एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे 100% सही करेंगे और कम समय में करेंगे उसको भी समझते हैं, लेकिन अभी हम जो है पहले से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ बच्चों की अंतिम भाजक अपना 41 है और भागफल जो है अंतिम वो 2 है, तो इसका मतलब अगर अंतिम भाजक है तो अंतिम वाली संख्या से कट गई होगी बच्चों, यानी शेषफल अपना कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अगर शेषफल 0 रहा होगा तो ये संख्या कितनी रही होगी, ये संख्या अपनी 82 रही होगी, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये संख्या 82 थी तो ए अब 82 कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, है ना, और ये अपना क्या रहा होगा, अब ये अपना शेषफल रहा होगा, जो शेषफल बचता है, अभी आपने यही तो सीखा था, जो भी हमने आपको 18 और 82 में सिखाया था यही चीज़ तो सिखाया था, तो ये अपना अब शेषफल है, तो यानी यहाँ जो संख्या रही होगी बच्चों कितनी रही होगी, 4 दूना 8,
4 8 32 और प्लस शेषफल, ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी बच्चों यहाँ पर संख्या अपनी 369 रही होगी। इसमें आपने 4 बार भाग दिया तो 328 आ गया और शेष कितना बच गया था, 41। अब ये जो संख्या है बच्चों, ये संख्या क्या रही होगी, यहाँ पर इसका भाजक रहा होगा। अब इस संख्या को हम निकाल सकते हैं, तो इस संख्या को निकालने के लिए हमें इसमें इसका गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 9 18, 2 6 12 और 1 13 और 2 3 6 और 1 7। और ए बच्चों जो 82 बच गया, ये अपना क्या रहा होगा, अपना रिमाइंडर रहा होगा। इस 82 को अगर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ 8 2 10, 8 3 11 और 1 12 और 7 1 8, यानी यहाँ जो संख्या मिली वो 720 मिली। 2 बार गया था तो 738 हो गया था शेष के रूप में, 82 बचा था। अब आपको अच्छे से पता है बच्चों, जब आप माशा निकालते हो तो शुरू की 2 संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है उसी संख्या में आप छोटी संख्या से भाग करते हो, तो अपने पास जो संख्याएं रही होंगी वो 369 और 820 रही होंगी। 369 एंड 820 रही होंगी, ये अपनी संख्याएं हैं। ये इन संख्याओं का ये जो सवाल है उसका ये सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे अपने एग्ज़ाम में तो शायद हम 2-3 सवाल अपने एग्ज़ाम में छोड़ के आएंगे और बाद में फिर यही होगा कि यार सवाल तो आ रहे थे लेकिन समय नहीं बच पाया जिसकी वजह से हमारा सवाल छूट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, एग्ज़ाम में हम इसे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये हमारा भागफल है, जो हमारा ये भागफल है, ये प्रथम से अंतिम की तरफ है, ये पहला था, ये दूसरा था और ये अंतिम था। तो एक बात ध्यान देना, आप अंतिम से लिखिएगा, अंतिम फिर बीच वाला और फिर प्रथम वाला सबसे लास्ट में लिखिएगा। अलग की बात है यहाँ पर 242 आ गया है। संख्याएँ अगर अलग अलग होती तो आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप समझिएगा मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमेशा अंतिम से प्रथम की तरफ लिखना है, अंतिम से प्रथम की तरफ लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब आपका जो इसमें माशा है, माशा जो यानी अंतिम भाजक है, माशा मतलब जो अंतिम भाजक है, उससे आपको इसमें गुणा करना है। एक बात तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब आपने पहली लास्ट बार भाग दिया होगा, अगर ये अंतिम भाजक है तो इसका मतलब शेषफल क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अंतिम भाजक है तो इसका मतलब वही संख्याओं का माशा है, तो इसका मतलब है बच्चों कि अपना जो शेषफल रहा होगा वो 0 रहा होगा। अब अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 82 मिलेगा। अब एक बात ध्यान देना, यही 82 अपना यहाँ लाओ और इस 41 को इसके स्थान पर लाओ, यानी बच्चों 82 अपना यहाँ आ गया, गुणे में 4 और प्लस में बच्चों क्या हो जाएगा, 41। यानी इसी पैटर्न को हमें फॉलो करते चलना है। अब हमें देखना है संख्या क्या मिलती है। अब अगर हम देखेंगे तो 4 2 8, 4 8 32 और प्लस 41 ऐड करेंगे, 369 मिल जाएगा। क्लियर है। अब ए संख्या फिर यहाँ आ जाएगी बच्चों, और ए संख्या अपनी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ना, 2 9 18, 2 6 12, 12 1 13, 2 3 6 और 1 7 ऐड करेंगे बच्चों, 8 2 10, 8 3 11, 1 12, 820 आ गया। तो ये जो बच्चों अपने अंतिम 2 संख्याएं आएंगे, यही अपने लास्ट की 2 संख्याएं होंगे, यानी अपने जो संख्याएं होंगी बच्चों वो 369 एंड 820 होंगी। अब मुझे लगता है कि आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा और माशा का लॉन्ग डिविज़न मेथड क्लियर हो गया होगा। अभी बच्चों इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है, मशा बनी रही है। देखो जब तक अगर आप अच्छे से समझोगे नहीं तब तक चीज़ें मज़ा नहीं आएंगी। हाँ, अगर एक बार आपने बाकायदा तरीके से पढ़ लिया तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इन चैप्टरों के क्वेश्चन फंसने वाले नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। ये जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का बच्चों, यही सब कुछ होता है। हम लोग करते क्या है कि वीडियो को 2 मिनट वॉच करते हैं फिर स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आप पूरे वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना तो फिर क्वेश्चन कैसा भी होगा वो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। चलो आगे की बात करते हैं। अब बच्चों जो आपको बताने चल रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ की मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी बातें हैं। जो बच्चों अब जो समझने चल रहे हैं, यह इस चैप्टर का बहुत ही मेन पॉइंट है। अब जो है आपका कॉन्सेप्ट बहुत मेन है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो लाशा माशा के लगभग सवाल आपके हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो अपने पास 2 संख्याएं, 1 40 है और 1 44 है, ठीक है।
अगर हम आपसे कहें इनका माशा क्या होगा या इनका रेशियो क्या होगा, अगर बच्चों इनका हम रेशियो निकालते हैं, देखो चार से काटोगे और चार से इसको भी काटोगे तो 10 और 11 आ जाएगा। जब आप इनका माशा निकालते हो बच्चों, तो आप इनके SCF से इनको भाग करते हो, यानी इनको काटते हो, इनके SCF इनका अपने आप हट जाता है। जब भी हम संख्याओं का रेशियो निकालते हैं तो SCF जो है वो अपने आप से क्या होता है, हट जाता है। जैसे देखो ना, अगर आपने इसको किया था 4×10 किया था, इसको आपने 4×11 किया था, तो 4 क्या था, दोनों में कॉमन था, 4 दोनों में कॉमन था, तो ए जब हट गया तो अभी बचा हमारा 10 और 11, क्योंकि अब इनका कोई फैक्टर हो नहीं पाएगा। एक कैसे नंबर हो गए हमारे, को प्राइम नंबर हो गए। एक कैसे नंबर हो गए हमारे, एक को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका SCF सदैव एक हो, जिसका SCF बच्चों क्या हो, एक है, उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब जो माशा, जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो इनके माशा जान लीजिए अपने आप से हट जाता है, क्योंकि इनके माशा से ही संख्याओं को आप काटते हो। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि अगर हम संख्या के रेशियो में माशा से गुणा करते हैं तो संख्याएँ आ जाती हैं, है ना। तो 40 और जो 44 आया बच्चों, आपने क्या किया, उन्हीं को प्राइम फैक्टर में, जो हमारे को प्राइम फैक्टर थे, उसी में हमने इनके SCF से मल्टीप्लाई किया। SCF से मल्टीप्लाई करने पे हमें उन वो हमारे जो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं हमें मिल जाती हैं। अब चलो, अब जो हम आपसे बात करने चल रहे हैं, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान लो बच्चों, हमारे पास दो को प्राइम नंबर हैं, एक नंबर हमारे पास एक्स है और एक नंबर हमारे पास वाई है। हमारे पास दो को प्राइम नंबर हैं, और अगर इनका SCF मान लूँ मैं कि एच है, तो पहली जो संख्या हो जाएगी बच्चों वो एच एक्स हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो एच वाई हो जाएगी। यही बातें अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर हमारे पास नंबर को प्राइम है, को प्राइम नंबर में यानी जिनका मासा एक होगा, उसमें अगर आप SCF से गुणा करोगे तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे आपने 10 और 11 में गुणा किया 4 से, तो 40 और 44 मिल गया था, सेम वैसे ही। अब बच्चों हमें एक बात तो क्लियर है कि यार इनका जो माशा है वो 4 है, यच है, इनका जो माशा है वो यच है। अगर हम इनके लाशा की बात करें कि इनका लाशा क्या होगा, यानी LCM क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इनका LCM हो जाएगा H×X×Y। क्या हो जाएगा, H×X×Y। एक ऐसे क्लियर हुआ, इसको आप समझिएगा। अगर बच्चों बात करें H×X×Y, तो एक ऐसे हुआ, आपको पता है, मान लो दो संख्या हमारे पास 12 और 15 है, ठीक है, 12 और 15 है। अब अगर इनके फैक्टर की बात करें बच्चों, तो 3×4=12 और 3×5=15, तो 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ए इनका क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, तो ए इनका SCF हो गया। अब हमारे 4 और 5 क्या हो गए बच्चों, ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए, ये हमारे को प्राइम नंबर हो गए। अब अगर हमें इनका LCM निकालना है, तो LCM में हमने आपसे क्या कहा, H×X×Y, यानी बच्चों H का मतलब मासा इंटू को प्राइम नंबर्स, यानी 4×5। देखो बच्चों, 4×5=20 तो यहीं 60। इन संख्याओं का अगर आपसे लाशा निकालने को कहा जाता, तो इनका लाशा क्या होता बच्चों, इनका लाशा 60 ही होता। यानी इन दो नंबरों के ऐसे मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और लीस्ट हो, वो 60 ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, इनका जो लाशा आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, को प्राइम नंबर में अगर आप SCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको इसका LCM मिल जाता है। बात क्लियर। अब यहाँ से आप देखिए कितनी चीज़ें जनरेट होती हैं, पूरे चैप्टर का सार यहीं पर है बच्चों, पूरे चैप्टर का सार जो है यहीं पर रखा हुआ है। जैसे कि मान लो, अगर हमने कहा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम जोड़ दें, हमने जैसे मान लिया an1 है और an2 है, ठीक है बच्चों, अगर हम an1 और an2 को ऐड कर दें, तो पहला कंडीशन हमारा क्या बनता है कि बच्चों, यानी n1 हमारा कितना है, hx है, और n2 कितना है बच्चों, hy है, ठीक है, hy है। तो यहाँ पर बच्चों हम h कॉमन ले लेंगे, ये अपना बचेगा x+y, ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा। अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, h और इन ब्रेकेट में हमारा x+y होगा। यानी को प्राइम नंबर में अगर हम जो है SCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों संख्याओं का योग आता है। अगर को प्राइम नंबर के योग में SCF से गुणा करते हैं तो बच्चों दोनों संख्याओं का क्या मिलता है, हमें योग मिलता है। अगर यहीं पर आप n1 - n2 कर देते हैं तो hx - hy हो जाएगा,
और यहाँ पर बच्चों उन को प्राइम नंबरों का जो डिफरेंस होगा, उन को प्राइम नंबर को जो डिफरेंस होगा वही हमारा SCF से मल्टीप्लाई करने पे SCF होगा। अगर इनका को प्राइम नंबर का डिफरेंस एक है तो जो हमारा SCF होगा वही इन संख्याओं का भी अंतर भी होगा। अगर जैसे अभी आप देख लो, हमने आपको एग्जांपल 12 और 15 दिया था, वहाँ पर को प्राइम नंबर के जो डिफरेंस थे 4 और 5 वो एक ही थे और वहाँ SCF हमारा 3 था, तो SCF हमारा 3 ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। और बच्चों अगर इन संख्याओं का हम गुणा कर दें, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे माशा, वो फार्मूला कहाँ से आता है, यहीं से आता है। तो हमने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किया तो हम बच्चों यहाँ पर करेंगे पहली संख्या एच एक्स है और दूसरी संख्या एच वाई है। तो देखो यच तो यहाँ दो बार है तो हमने एक एच को ऐसे लिख दिया अकेले में, और जो दूसरा एच बचा इस एच को हमने ऐसे लिख दिया। अब जो दूसरा एच बचा उसको यहाँ लिखा और इसके साथ हमने एक्स और वाई को लिख दिया। तो प्यारे बच्चों आप बताओ ये जो हमने लिखा यहाँ पर एच, ये तो अपना SCF हो गया। एच क्या है, अपना SCF है। और एच एक्स वाई क्या है बच्चों, एच एक्स वाई अपना LCM है, यानी LCM गुड़े SCF बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या का जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला हमारा यहीं से जनरेट होता है, कहीं और से नहीं आता है। क्लियर हुआ। अब बच्चों अगर हम आगे की बात करें, अगर हम LCM SCF को लेके बात करते हैं, ठीक है, कि LCM में अगर हम SCF से भाग करें, ठीक बच्चों, LCM में अगर हम SCF से भाग करें तो यहाँ पर LCM हमारा क्या है, एच एक्स वाई, और SCF क्या है हमारा बच्चों, H है। तो हमारा H से H कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं LCM अपान SCF बराबर जो हमारे को प्राइम नंबर होंगे उनका हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स, इसे आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स। अगर आप LCM में SCF से डिवाइड करते हैं बच्चों, आपको प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स मिलते हैं। और आप जान लीजिएगा ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त का फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस लगेंगे, यार ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, वो क्वेश्चन आपका उतना ही आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे, आपने पढ़ा होगा ना कि दो संख्याओं का लाशा इतना है माशा इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है दूसरी संख्या क्या होगी, तब तो आप इस फार्मूले को लगा लेते हो। मान लो बच्चों अगर आपको सिर्फ बोल दे दो संख्याएं हैं उनका लाशा माशा इतना है, दोनों संख्याएं क्या होंगी, आपको एक भी संख्या ना दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे, अब आप सोचो। अब जैसे हमने आपसे मान लिया, कह दिया कि चलो भाई दो संख्याओं का जो लाशा है वो 48 है और जो इनका SCF है वो 6 है, तो हमारे N1 क्या होंगे और N2 क्या होगा, यानी हमें दोनों संख्याओं को बताना है। तो बच्चों हमें एक भी फार्मूला नहीं, एक भी नहीं चीज़ें पता है ना, हमें पहली संख्या पता है ना, हमें दूसरी संख्या पता है, लेकिन हम चीज़ों को निकाल लेंगे कैसे, इस फार्मूले से। क्योंकि हमें पता है अगर हम LCM में SCF से भाग करेंगे तो हमारे को प्राइम नंबर के क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो 6 8 48 या यहाँ बच्चों 8 मान लो SCF, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 8 मान लोगे तो 8 6 48 6 आ जाएगा। अब अगर ये 6 आ गया तो इसका हम फैक्टर कर लेंगे, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 2 × 3, ये हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। क्योंकि को प्राइम नंबर का मतलब होता है बच्चों कि जिनका SCF एक हो, जिनका SCF क्या हो, एक हो, इसलिए हमने 8 माना ताकि ये हमारे को प्राइम नंबर निकल सकें, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब 2 और 3 हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। और बच्चों को प्राइम नंबर में आपने आज ही क्लास में पढ़ा कि को प्राइम नंबर में SCF से गुणा करने पे आपको संख्याएं मिलती हैं। जैसे हमने 12 और 15 का एग्जांपल दिया था कि 4 3 12 और 3 5 तो SCF कितना हो गया था अपना, 3 हो गया था। को प्राइम नंबर 4 और 5 थे, अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पहली संख्या आएगी, इसमें मल्टीप्लाई करोगे दूसरी संख्या आएगी। तो वही बातें हैं कि अपने को प्राइम नंबर 2 और 3 हैं, अगर अब इसमें हम SCF से गुणा कर देंगे यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगा, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। आई होप कि बच्चों LCM और SCF के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रहा है तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आज के वीडियो में हमने आपको LCM और SCF का कॉन्सेप्ट दिया, अगले वीडियो में आपको LCM और SCF के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जहां हम इनके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे।
बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपके एक सपोर्ट से ये हमारा व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो सकता है और चीज़ों को हम बहुत बेहतर प्रोवाइड करा सकते हैं आपको। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, जय हिंद। आप सभी बच्चों को जय हिंद।